आप सभी को न्यू ईयर 2018 की बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। न्यू ईयर पे कौन सी ऐसी टिप्स हम लेकर के आए अपनी लाइफ में जो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए, खुशियां लेकर के आए। सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि हमारा समय अच्छा हो जाए। समय से हमारा कंसर्न है कि हमारे आने वाला टाइम अच्छा हो जाए, यानी कि हमारा कैलेंडर अच्छा हो जाए, हमारा स्कड्यूल अच्छा हो जाए, हमारी जो आने वाली मीटिंग्स हैं, हमारे आने वाले जो ओवरऑल सिस्टम है वो ठीक हो जाए। तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा? कैलेंडर। हम कहीं पर भी कितना भी डिजिटलाइज कर लें, लेकिन घर में या ऑफिस में कोई ना कोई कैलेंडर ज़रूर होता है। तो उस कैलेंडर की क्या वास्तु है न्यू ईयर टिप में, मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके साथ। आपके घर में फर्स्ट जनवरी होते ही जो पुराना कैलेंडर है उसके साथ क्या किया जाता है? कई कई बारी बहुत बड़े घर होते हैं, सिंगल फ्लोर, डबल फ्लोर, थ्री फ्लोर्स, विला, बंगलो, फार्म हाउसेस, ऐसे घरों में नया कैलेंडर तो लग जाता है, लेकिन पुराना कैलेंडर कहीं ना कहीं दूसरी जगह हैंग कर दिया जाता है। इसकी कोई ना कोई वजह होती है, या तो आप कहीं ना कहीं उसे रख के भूल जाते हैं, या उस कैलेंडर पर कोई ना कोई भगवान की फोटो होती है, या कोई ऐसी पिक्चर होती है जिसको आप आगे हटाना नहीं चाहते और उसे रिटेन करना चाहते हैं। लेकिन क्या वह सिर्फ पिक्चर है? उसके ऊपर तो डेट्स भी लिखी हुई हैं, पिछले साल की डेट्स, जो कि समय निकल गया। हो सकता है वह समय बुरा निकला हो सकता है अच्छा निकला, लेकिन आने वाला समय उससे भी अच्छा होगा। तो पिछला समय संभाल के आपने रखा। हर कोई यही कहता है कि पुराने समय को जाने दो, पिछली यादों को कट कर दो। तो आपका पुराना कैलेंडर आपने क्या किया? बहुत बड़ा सवाल है ये, पुराना कैलेंडर आपने क्या किया? आप अगर भगवान की कोई फोटो है, नंबर वन तो मैं यही कहता हूं कि भगवान की फोटो वाले कैलेंडर्स को आप अपने घर में नहीं लगाएं, क्योंकि भगवान का जो स्थान है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर में है। उनको लिविंग रूम में लगाना, कहीं पर भी लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो भगवान की फोटो वाले कैलेंडर आप नहीं लगाएं। पुराने कैलेंडर्स जितने भी हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, और अगर भगवान की फोटो वाले कैलेंडर हैं तो उन्हें रोल अप कीजिए और किसी जगह पर आप उसे डिस्पोज कर सकते हैं। और आप नहीं चाहते उसे डिस्पोज करना, रोल अप करके आप उसे संभाल के अलमेरा में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके जो पुराना साल गया उसके साथ जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो भी चली जाएंगी। सो मेक अ पॉइंट, पूरे घर में कहीं पर भी कोई पुराना कैलेंडर नहीं होगा। नया कैलेंडर कहाँ लगाएं? नया कैलेंडर कैसा हो? पहले बात करते हैं कि नया कैलेंडर कहाँ लगाएं। सबसे पहले नया कैलेंडर बेडरूम में कभी नहीं लगाएं। बेडरूम में कैलेंडर नहीं होना चाहिए। आपके फोन में तो कैलेंडर होता ही है ओवरऑल। बिल्कुल ठीक सामने कैलेंडर लगाना बहुत बुरा होता है, क्योंकि इससे हम थोड़ा सा स्केयर्ड रहते हैं। टाइम, डेट्स निकलती रहती हैं, टारगेट्स हमारे सर पर रहते हैं। बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहां साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर टाइम का, डेट्स का बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कोई एग्जाम आने वाला है, कोई डेट्स आने वाली हैं, कोई टैक्सेशन डेट आने वाली है, कोई लीगल डेट आने वाली है, तो हमारे ऊपर एक अनवांटेड प्रेशर बना ही रहता है। तो सोते समय आपके सामने अगर कैलेंडर होता है, टोटली रॉन्ग। तो बेडरूम में कैलेंडर बिल्कुल नहीं है आपने लगाना। मंदिर में कैलेंडर आपको नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो हिंदू कल्चर का कैलेंडर है जिसपे हमारे रिचुअल्स की डेट है, जो हमारे फेस्टिवल की डेट्स है, वो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं, हम स्टडी एरिया में कैलेंडर लगा सकते हैं, ऑफिस में कैलेंडर लगा सकते हैं, लिविंग एरिया में कैलेंडर लगा सकते हैं।
किचन में भी कैलेंडर लगा सकते हैं, बिकॉज किचन में आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका माइंड चल भी रहा होता है. डायरेक्शंस की बात करते हैं. साउथ डायरेक्शन में लगा हुआ कैलेंडर कभी भी फेवरेबल टाइम नहीं देता, इससे घर में बीमारी आती है. क्या आप चाहते हैं कि आप बीमार रहें या आपके घर में बीमारी आए? साउथ में कभी भी कैलेंडर नहीं लगाना. ध्यान दीजिए, साउथ की तरफ आप कैलेंडर देखें नहीं, यानी कि साउथ की दीवार पे कैलेंडर लगाएंगे तभी आप साउथ की तरफ देखेंगे. वेस्ट दिशा की तरफ कैलेंडर लगाएंगे तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी. बिजनेस के लिए ट्रेवल करना है, कैंसिल हो जाएगी मीटिंग. कोई बड़ा ऑर्डर आया तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो स्थायित्व नहीं रहा. नॉर्थ बहुत ही अच्छी दिशा है, एनर्जी डायरेक्शन है. जब भी आप डेट्स देखेंगे नॉर्थ की तरफ, अगर आप डेट्स देख रहे हैं तो आपकी डेट्स फेवरेबल बहुत होंगी. कोई भी आप काम करेंगे वह पूरा जरूर हो जाएगा. बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी दिशा है नॉर्थ पे कैलेंडर होना. हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी दिशा है नॉर्थ पे कैलेंडर होना. ईस्ट की बारी आती है तो ईस्ट तो बहुत ही अच्छी दिशा है. जो अकाउंटेंट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनके लिए ईस्ट पे कैलेंडर होना बहुत ही अच्छा है. ईस्ट पे कैलेंडर लगाइए. अब बात आती है कि कैलेंडर कैसा होना चाहिए. कई लोग कैलेंडर लगा देते हैं, बहुत ही सुंदर पिक्चर्स होती हैं और वह सुंदर पिक्चर्स आप अपने ड्राइंग रूम में लगा देते हैं. बहुत सारे कैलेंडर्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कैलेंडर स्पेशली प्रिंट होते हैं और इंटीमेसी से रिलेटेड पिक्चर्स उसमें लगा दी जाती हैं. इससे आपका टेस्ट पता चलता है. टेस्ट को कभी भी आप पब्लिक पे रिफ्लेक्ट नहीं कीजिए. आप अपने बेडरूम में उसे लगा सकते हैं, लेकिन ड्राइंग एरिया में कभी भी ऐसे कैलेंडर्स को नहीं लगाना है. टारगेट रिलेटेड कैलेंडर्स को आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं. टारगेट रिलेटेड कैलेंडर्स को आप अपने स्टडी एरिया में लगा सकते हैं. स्टूडेंट्स अपने टारगेट रिलेटेड चीज़ों को कैलेंडर्स में पोर्ट्रे कर सकते हैं, रोल मॉडल्स को लेकर के आ सकते हैं. भगवान से रिलेटेड, डाइटीज से रिलेटेड, मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान से रिलेटेड आपने कैलेंडर्स नहीं लगाने हैं. सबसे बेस्ट होते हैं कैलेंडर्स बिना किसी फिगर के, बिना किसी पिक्चर के. सिर्फ डेट्स होनी चाहिए और डेज होने चाहिए, क्योंकि जो हम देख रहे हैं पूरा हमें फोकस मिलना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो कैलेंडर्स आपके लिए न्यू ईयर वास्तु टिप बन करके आई हैं. मैं फिर आपके लिए न्यू ईयर वास्तु टिप्स जल्द ही लेकर के आऊँगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए. लाइव वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाइव वास्तु को अपनी लाइफ में इन्फ्यूज़ कीजिए और इसे वे ऑफ लाइफ बनाइए. Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla